कोरोना महामारी की रफ्तार कम होती नजर आ रही, जो कि हर राज्य के लिए एक अच्छी खबर है। कोविड 19 के नियमों का पालन करते रहना होगा, तभी यह चैन पूरी तरह से तोड़ने में सफलता प्राप्त होगी। जिलाधिकारी राजकमल के प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा। प्रतिदिन कोविड संक्रमित व्यक्ति बड़ी संख्या में ठीक होकर घर वापस आ रहे। स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन का बेहतर इलाज देने पर प्रशासन भी कर रहा प्रशंसा। वहीं बता दें कि जिलाधिकारी हर रोज फोन पर कोविड 19 संक्रमित व्यक्ति का हालचाल पूछते हैं, जिसमें मरीजों का कोरोना जैसी भयानक बीमारी से जंग लड़ने में हौसला मिलता है। जिलाधिकारी का कहना है कोरोना से विभिन्न प्रकार के प्रयास लगातार जारी है। जनपद का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ सुरक्षित रहे, कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए आम जनमानस की सक्रिय भागीदार और प्रत्येक व्यक्ति और जागरूकता। सीएससी है खेकड़े सीएससी में, और भैया मेरे बचने की आदत नहीं, इन्होंने इतनी सेवा करी बेचारे ने, बहुत अच्छे बच्चे हैं। नाम बता दो अपना। नाम मेरा पुष्पा है, थोड़ी की हूँ मैं। ठीक, मैं खेड़ी में रहने वाला हूँ जी, राजेश कुमार मेरा नाम है। मैं 24 अप्रैल को भर्ती हुआ था जी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे घर भी नहीं आ जाता जी, और टेम्परेचर मेरा 60 से कम ही था, और मैं रुक रहा ये 4 दिन हो गए। अब मैं यहाँ हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं चल फिर भी सकूँ, साँस तो चढ़े मेरी कमजोरी की वजह से, फिर मैं बहुत ठीक हूँ, बैठ कर खाना भी खा लूँ, घूम फिर भी लूँ थोड़ा बहुत, और मैं हो रही है। हमारी बहुत हेल्प करी है, एक बार डॉक्टर ने 3-4 टाइम आते थे, दवाई टाइम पर देते थे, सब पूछते थे क्या परेशानी है, बहुत हेल्प करी है, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम बताओ अपना। मैं मुन्नी देवी। हाँ जी, मेरी यहाँ केयर बहुत अच्छी हुई है, मैं यहाँ से ठीक होकर जा रही हूँ। मेरी जिस टाइम आई हालत बहुत खराब हुई, आज मैं अपने पैरों से जा रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती रही थी? हॉस्पिटल का नाम खेकड़ा हॉस्पिटल। ठीक, ऑक्सीजन पे रहे थे ना? ऑक्सीजन पे रहे। डॉक्टर स्टाफ कितने बार आते थे आपके पास? काफी बार आते थे, बहुत देखभाल करी, बहुत अच्छी नर्स है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। चलो ठीक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।